अच्छा चलो ये लो आपके लिए, आप देखो इसमें क्या है। अच्छा मेरी बहनों के लिए कपड़े हैं। अब तो रोजा रख के सोऊंगा। आपने रोजा रखना है? अभी आप स्कूल कैसे जाओगे? मैं चला जाऊंगा। मैं चलो भाई, चलो भाई आजो, आइसक्रीम खा लो आजो। चलो नहीं बिकड़ा तो तुम बेच क्यों रहे हो इतने छोटे होके? मेरी जान है, क्यों अपनी जान पे इतना जुल्म किया हुआ है? स्कूल क्यों नहीं जाते हो? मैदान से जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकात। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का व्लॉग, और माशाल्लाह से आज काशिफ भी हमारे साथ जाएगा। काशिफ आप गया, आ गया नानी के घर से, रेडी हो गए। चलो चले, बैग भारी है कि नहीं? कहता मम्मा अब जब से क्लास चेंज हुई है ना बैग बहुत भारी हो गया है। तो इधर से डलवा रहे हैं पेट्रोल, क्योंकि आज मुझे बहुत सारे काम हैं। डॉक्टर के पास जाना है, उसके बाद थोड़ी शॉपिंग करनी है, और थोड़ा राशन भी और लेना है रमज़ान शरीफ की में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो अल्लाह करे कि बस मेरे काम जो है ना जल्दी वाइंड अप हो जाए। चौक पे जो है ना एक्सीडेंट हुआ पड़ा है, जो बेएहतियाती करते हैं ना ये लोग। तो भी देखें ऐसे अल्लाह माफ़ करे, दो बाइक्स की आपस में टक्कर हुई है और मैंने लाइव देखा है। अल्लाह माफ़ करे, इतना डर लगता है ना देख के भी, बहुत डर लगता है। इसलिए आपको एहतियात करनी चाहिए। अगर आपने कहीं जाना है ना, ना पहुँचने से बेहतर है आप वहाँ पर 10 मिनट लेट पहुँच जाइए। जी अभी तो पहुंच गई हूँ मैं हॉस्पिटल, आप देखते हैं कि वहाँ पे नंबर मिलता है कि नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ पे जो लेडी डॉक्टर हैं वो अच्छी हैं, खानपुर में सबसे बेस्ट यही है। और इनका नंबर जो है ना 2 दिन पहले लगवाना पड़ता है। अभी देखती हूँ इमरजेंसी में मिलते हैं या नहीं। इमरजेंसी का ये है कि पैसे कुछ ज़्यादा ले लेते हैं। आज इन्होंने मुझे नंबर दिया है और कहा है कि परसों आ जाए, 16 नंबर। अब परसों आना पड़ेगा 2 दिन बाद। भाई सफ़र करते करते अब मुझे लग गई है बहुत ज़्यादा प्यास, क्योंकि शिद्दत की गर्मी शुरू हो रही है। तो मैंने यहाँ पे रोकर है, ये भाई जो है ना ताज़ा जूस बना रहे हैं, और इनकी स्पेशल बात देखिए कि ये जूस में अदरक भी डालते हैं, पुदीना भी डालते हैं, मतलब गाजर और क्या कहते हैं उसको। इस जूस की स्पेशल बात यह है कि इसमें पुदीना और अदरक भी डाला हुआ है, और इसका टेस्ट देखते हैं कि कैसा है। चलें जी, जूस वाकई में बहुत मज़े का था, और जूस पीते पीते ना मैं पहुंच गई हूं बाज़ार। अभी जाती हूं बाज़ार से जो ड्रेसेस वगैरह लेनी है वो लेती हूं। कहां से मैं देखने आई हूं लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा, तो फिर चलते हैं किसी और शॉप पे देखते हैं। तो यहां पे देखते हैं कि एक डिज़ाइन ये मुझे अच्छा लग रहा है, ये भाई निकालें तो देखते हैं कैसा है। एक तो जिस शॉप पे भी जाओ ना ये दुल्हनों वाले डिज़ाइन है सबके पास, मुझे सिंपल डिसेंट डिज़ाइन चाहिए, डिसेंट डिज़ाइन है ही नहीं किसी के पास। पूछते पूछते आ गए हूँ, देखते हैं। मेरे ख्याल से ये वाली शॉप है, इस शॉप से मैं लेती हूँ, इनके पास ड्रेसेस अच्छे होते हैं। तो यहाँ से देखते हैं अगर मिल जाए वो स्टाइल। तो आज पता नहीं इन्होंने इतने बलून शलून किस खुशी में लगाए हुए हैं, और रश इतना लगा हुआ है अभी जैसे ईद का सीज़न है, रमज़ान में हर कोई शॉपिंग करता है। जिनके पास इतनी अफरा तफरी मची हुई है ना, किसी चीज़ का पता ही नहीं चल रहा कि कौन सी चीज़ कहाँ पे रखी है। पता नहीं थोड़ी सी कोई ऑफ़र लगाई है इन लोगों ने, वो तो बाद में पता चलेगा कि कितनी ऑफ़र लगाई है। रमज़ान आने वाला है ना, तो बाज़ार में इतना रश था ना, अल्लाह माफ़ करे, पाँव रखने की जगह नहीं थी। अभी मैं इतनी थक गई हूँ ना, बिल्कुल हिम्मत ही नहीं है, बस अभी जल्दी घर चलती हूँ। अभी जो बाकी का काम है वो शाम में करूँगी। ये छोटी सी शॉपिंग मैंने की है रमज़ान के हिसाब से, ये जो है ना समोसे और मोमोज बनाने वाली ये ली है मेकिंग के लिए। अब देखते हैं ये कैसी रहती है। ये रेल में कुछ इस तरह से है, मतलब यहाँ पे एक छोटा सा गोला बना के डालेंगे तो ये आपका एक छोटी सी टिक्की बन के रेडी हो जाएगी। और फिर इसका प्रोसेस ऐसे, इसका ऐसे करते हैं घर की रोटी वाला जो आटा होता है ना उसके साथ टेस्ट करके देखते हैं कि ये कैसी रहती है। 2 कटर मैं और ले आई हूँ घर के लिए।
इसका छोटा सा गोला बना लिया। अब इसका देखते हैं कि ये कैसे बनती है, रोटी बनती भी है कि नहीं। मोबाइल लगता है रखना पड़ेगा। अरे ये तो नहीं बनी, फेल हो गई। ये अलग तक दोबारा से इसको आटा सही लगाना पड़ेगा। तो मैंने इसको बना लिया और बहुत ही कामयाबी से और बहुत ही खूबसूरत बना है। इसका मतलब है कि इसको रमज़ान में ज़रूर हम ट्राई करेंगे। आप तो रोज़ा रख के सोऊंगा। आपने रोज़ा रखना है? हाँ। अभी आप स्कूल कैसे जाओगे? मैं चला जाऊँगा, मैं उधर उधर होता हूँ ना। हाँ। वहाँ पे रोज़ा रख के जाता था उधर, छुट्टी भी 3 बजे होती थी। अच्छा चलो ये लो आपके लिए, आप देखो इसमें क्या है। अच्छा मेरी बहनों के लिए कपड़े हैं। देखो किसके कपड़े? अली के। अली के नहीं है, अली के। दिखाओ। सेम सेम लेते हैं ना, अगर दो सिस्टर हो तो। कैसे लगे आपको? अच्छे हैं दोनों, देखो तो सही सही से पसंद आए। मैंने कहा आपके लिए, आपकी बहनों के लिए ईद का गिफ्ट भेजें फिर। अच्छा है, पिछली दफा भी तो ईद का भेजा, ये इसके टाइट्स हैं। इसको यहाँ देखो। और देखो शॉपर में क्या है। और ये तो अच्छा, चूड़ियाँ वगैरह हैं, मुझे पहले से ही पता लग गया। भाई की तरफ से ईद जाएगी ना फिर, अच्छी तो हो। मैंने कहा ये तो दुआ के लिए। हाँ ये दुआ के लिए, दुआ के लिए हैं, ये फादिया के लिए हैं, ये भी फादिया के लिए। हाँ ठीक है। हाँ सही, पसंद आई आपको? जैसे यूँ करेंगे ना आवाज आएगी, ऐसे आराम से टूट जाएंगे। ठीक है चलो, ये हम आज रखवा देंगे, कल उन तक पहुंच जाएंगे। ठीक है ठीक है। वैसे फादिया को ये वाला साइज बड़ा है? नहीं सही है, फिर हाथ कलाई बड़ी भी तो होती है ना बेटा, बाद में भी पहन सके, फिर एक बार पहन के रख दे कोई फायदा नहीं है। कितने की है? 900 रुपए की। 200 रुपए की है ये, आपको 200 की लगती है? कितने की है आप देखो क्या लिखा हुआ है सही से, कीमत भी नहीं लिख सकते अभी। ये कीमत नहीं, कोड लिखते हैं इसके ऊपर, वो कोड से फिर पता नहीं पेमेंट बताते हैं। कोई नहीं, गिफ्ट की कोई कीमत नहीं होती है, अगर गिफ्ट की कीमत बता दो तो फिर क्या फ़ायदा। ठीक है आपको पसंद आए ना है, चलो ठीक है। अच्छी हैं? हाँ अच्छी हैं, अभी तो मेरी बहनें पहनेंगी, फिर देखूंगा वीडियो में। देखोगे? चलो ठीक है, मुझे तो मैं इनको वापस पैक कर दूँ। आप पैक करके रखो, मैं खाना खाना है मुझे। मैं अभी देती हूँ अपने बच्चे को खाना, एक मिनट में ये डिज़ाइन तो दिखा दूँ। आपने खोल के डिज़ाइन नहीं देखा, ये कितना प्यारा डिज़ाइन है, बहुत खूबसूरत है। मैंने कहा दूसरी लूँ ना, कांच की, कांच वाली टूट जाती हैं। हाँ फिर बच्चों को ना वो लगने का खतरा होता है कि बच्चों को लग ना जाए, क्योंकि बच्चे तो बेख्याली में खेलते रहते हैं, गिरते रहते हैं, इसलिए मैंने सोचा ये वाली लूँ जिनके कोई टूटने का डर भी ना हो के टूट जाएंगी। ये देखो ये है इसका पूरा डिज़ाइन, ऐसे ये देखें। मुझे तो लग रहा है दुआ के हाथों की। नहीं बच्चा दिखाएं इसमें, इसमें फर्क चेक करते हैं। मुझे दिखाओ, वो छोटी है दुआ के हाथों की, देखो ये ज़्यादा छोटी है, है ना। मुझे दिखाओ अभी, तो ये देखें ये डिज़ाइन है, डिज़ाइन वो है और दूसरा डिज़ाइन इसका ये है, तो इस तरह की हैं। चलें जी, कल जो सालन वगैरह बने हैं और देगचे निकाले हैं, टाइम हो गया कि उन सबको समेट लें, उनको अभी रख दिया था स्टोर में। शाबाश, रेडी हो जाओ, चढ़ा भी पे जाओ। हाँ चलो, यूनिफॉर्म लेने जाना है, शलवार कमीज पहन के आप पहले आपकी यूनिफॉर्म लेने जाना है। हम जा रहे हैं अलीजान की यूनिफॉर्म लेने, फिर मैं छोड़ूंगी अलीजान को मस्जिद,
अगली जान जाएंगे नमाज पढ़ने, ठीक है ना? है बेटा हाँ। चलो शाबाश, तो भी जाते हैं, इनके जूते भी लेते हैं स्कूल के और यूनिफॉर्म भी। यहाँ से हम लेंगे अली जान के यूनिफॉर्म, और क्या लेना है हमने, क्या लेना है अली जान? पता नहीं, पता नहीं। वाह हाँ, यही चीज, अली जान का बैग भी लेना है और यूनिफॉर्म भी लेना है, तो देखते हैं। हाँ बच्चा इस साइड से खड़े हुए तो हैं, उनके पास यूनिफॉर्म थे नहीं, अब हम इधर आए हैं। हाँ इनके पास सारी चीज़ें हैं, चलो। तो माशाल्लाह इनके पास टोटल चीज़ें हैं, जैसे कि लंच बॉक्स हो गया, वाटर बॉटल हो गई, बैग्स हो गए, मतलब हर चीज़ इधर रखी हुई है। सही है, यहाँ से बंदा आराम से ले ले। भाई दो पेयर दीजिएगा, अली जान बैग पसंद कर लें इधर से। कौन सा? ब्लू वाला जी। हाँ ठीक है, ठीक है ना अली जान? बस ठीक है। ठीक है ठीक है जी, ठीक है जी जी, दो दो। चलो जी ये दो पेयर हो गए, अब इनका बैग दिखाइए और टाई भी दिखाइए, टाई भी लगाएगा मेरे बेटो हैं अली। असल में ना अली जान को टेंशन लगी है, इन्होंने कहा कि मुझे जाना है नमाज पे। मैंने कहा बेटा पहले आपकी यूनिफॉर्म वगैरह ले ले, क्योंकि सुबह इन्होंने स्कूल जाना है, फिर लेट हो जाएगा, शॉप्स बंद हो जाती हैं। ठीक है ठीक है बेटा, चलें जी आप बैग दिखा दें। अभी हम पहुंच गए अली जान का जूता लेने के लिए स्कूल के लिए, अभी देखते हैं जल्दी जल्दी से लेके फिर चलते हैं। चलो भाई इसके साइज़ का स्कूल का जूता दिखा दें। मुझे लगता है आप सब भी नमाज की तैयारी करके जा रहे थे, क्योंकि तकरीबन दुकानें बंद हो गई हैं। कैसा चाहिए बच्चों? स्कूल के लिए चाहिए ना भाई? आप दिखा दें, पाँव दिखाओ अपने। इस तरह के कुछ आएंगे इनके बूट। अच्छा ट्रायल के लिए जुराबें भी साथ रखते हैं, जुराबों के साथ चेक करनी होती है ना। ज्यादा बड़ी नहीं है? मुझे तो लग रहा है ये बूट ज्यादा बड़ा है। लुक से ऐसे हैं उसके, वो सोल इस तरह का है। डिजाइन है इसका, साइज बिल्कुल ठीक है। चलो नेक्स्ट टाइम के देखो आप, पेंट नीचे करो बस दो कदम में पता चल गया। सही है ना, इसको तराबियों पे जाना है, इसलिए आने के लिए भी तैयार नहीं था, कहता मुझे तराबियों पे जाना है, लेकिन सुबह स्कूल भी जाना है। ठीक है ये, हाँ वो ठीक है, बस डन कर दें। चलें जी अली जान की शॉपिंग हो गई है कंप्लीट, और अभी चलते हैं घर, फिर इनको जाना है तराबियों पे। तो अभी यहाँ से लेंगे हम अली जान का एक ड्रेस, देखते हैं अब इनकी साइज का मिलता है कि नहीं। भाई इनके साल इनकी साइज का शलवार कमीज तो दिखा दें। तो यहाँ से अली जान ले रहे हैं अपने लिए ड्रेस, उधर मुंह करो अली जान उधर, चलें ठीक है। इसे एक नंबर बड़ा दें मुझे ना, ये छोटी लग रही है कमीज। ठीक है बेटा, चलो आपकी मर्जी है। यही दिखा दें, इसमें और कलर हैं? कलर ठीक है, ब्लैक नहीं बेटा, ब्लैक आपके बहुत हैं, ब्लैक ना ख़राब जल्दी होते हैं, वाइट में। ये कलर भी अच्छा है, ये लेना है। वो ब्लू वाला मेरे साथ नहीं आया था, वो भी अच्छा है। ये अच्छा लग रहा है, ये देखो ये अच्छा लग रहा है अली बेटा, ये अच्छा लग रहा है। वाओ ये रेड कलर वाले में, रेड में अच्छा लेना है। ये देखो ये भी अच्छा लग रहा है, ये भी, और ये डार्क ब्लू भी अच्छा लग रहा है, ये वाला। वैसे ये सबसे अच्छा लग रहा है, क्या कहते हैं?
वो बहुत प्यारा लग रहा है। इसको जल्दी ले दें, इसने तरावियों पे जाना है भाई, जल्दी ले दें, बस जल्दी दे दें। आप इधर जाओ चेंजिंग रूम में पहन के आ जाओ, जाओ ये लो इसका टैग उतार दें भाई। वो सामने चेंजिंग रूम है जी, इनको मस्जिद छोड़ के जाना है मैंने। मेरे बेटे की यहाँ पहली तरावी है इसलिए मैंने कहा इनको न्यू ड्रेस पहन के जाना चाहिए, है ना बच्चू? स्लीपर है यार। से गए हैं अली जान चेंज करने और आप सब मुझे कह रहे थे कि इसके लिए पैंट शर्ट लिया करें, लेकिन अली जान को ना शलवार कमीज ज़्यादा पसंद है, वो कंफर्टेबल फील करते हैं। बल्कि अभी मैं सोच रही हूँ इनके लिए कोई 3-4 शलवार कमीज़ और लूँगी, अभी जैसे रमज़ान है तरावियाँ पढ़ने जाएंगे तो ज़्यादा कम्फर्टेबल ही रहते हैं शलवार कमीज़ में, क्योंकि बच्चे खेलते हैं कूदते हैं, तो बस बाहर जाने के लिए और नमाज के लिए स्पेशल, और जब कारे साहब के पास जाते हैं तब के लिए इनके शलवार कमीज़ लेने पड़ेंगे, वो मैं लूँगी। बाकी आप सब कह रहे थे कि इसको पैंट शर्ट पहनाएं, पैंट शर्ट यहाँ पे ज़्यादा मतलब नमाज़ पढ़ने जाते हैं तो जो लोग यहाँ से उनको पता ही होगा कि पैंट शर्ट अगर हम बच्चों को पहनाएं तो उसमें नमाज में तंगी होती है। माशाल्लाह प्यारे लग रहे हैं अली जान, थोड़ा पीछे होके दिखाइए। हाँ माशाल्लाह अच्छे लग रहे हैं। चलें जी, इधर मैंने छोड़ दिया अली बेटे को नमाज के लिए। चलो ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़। अभी मैं चलती हूँ। अली जान को छोड़ने के बाद मुझे याद आया कि अली जान की बुक्स तो ली नहीं है, तो मैं आई हूँ अभी अली जान की बुक्स लेने। और आज का दिन बहुत टफ था, थका देने वाला दिन था आज, पे इतना रश लगा हुआ है, सब पेरेंट्स अपने बच्चों की बुक्स लेने आए हैं सब। ज़रा अभी न्यू क्लासेस स्टार्ट हुई हैं तो बच्चों के लिए अभी इतना रश लगा हुआ है, नहीं तो इतना रश नहीं होता यहाँ पे। अली जान का कोर्स इसके साथ कॉपीज पे भी लाइन है और इतनी लंबी लाइन है। आप कौन सी क्लास में हो? अल्पाइन में हो? कौन सी? सेंट्रल में। अच्छा माशाल्लाह। नहीं बिकड़ा तो तुम बेच क्यों रहे हो इतने छोटे होके? मेरी जान है नहीं। क्यों अपनी जान पे इतना जूम किया हुआ है? स्कूल क्यों नहीं जाते हो? मदरसे जाते हैं। मदरसे जाते हो? क्या पढ़ रहे हो मुझे तो सुनाओ कुछ, फिर सिपाड़ा तो सुनाओ, फिर मैं ले लूंगी आपके फूल हैं। कुछ सुना दो हैं, आप तो खुद एक फूल हो, आप फूल बेच रहे हो हैं? आज तरावियां पढ़ने नहीं गए? तो ये देखे माशाल्लाह। हाँ भाई मैं यूट्यूबर हूँ। ये आ गया मेरा दूध, आज मैं बहुत थक गई हूँ। होए 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 भाई, टिश्यू दे दे जरा, ये नीचे गिर गया, इसको लगा दे बाहर से टिश्यू। हाँ जज़ाकअल्लाह। तो मैं रखूँ कहाँ इसको? बस अच्छा, कितने का दे रहे हो फूल आप बताओ? ये 100 का है, ये 60 का है। 100 का है? अब मुझे कौन सा दोगे? दोनों 60 के हैं। मैं शायद दो नंबर ही कर रही हूँ, इतने चौथे हो गए। कौन सा लूँ अब मैं बताओ? ये लूँ, पक्की बात है भाई? ये इन सबको मेरी तरफ से आइसक्रीम खिला दे। अच्छा जी। इधर ही ले आ मेरे साथ खड़े होके खा ले, ठीक है? अभी खुश, मैं आपके फूल नहीं ले रही, आप आइसक्रीम खा लो, ठीक है? आइसक्रीम ही खाओगे? नहीं क्यों? फिर आप खाओगे? हाँ ठीक है, सब खाएंगे। हाँ तो मैं आपको ले देती हूँ ना, आप खुद ले लोगे? अल्लाह नहीं नहीं, मैं आपको ले देती हूँ। चलो आप सब इधर बैठ के आइसक्रीम एंजॉय करो, वो अंकल अभी लेके आते होंगे। नहीं चलो भाई, चलो भाई आ जाओ, आइसक्रीम खा लो, आ जाओ। चलो ये फूल के पैसे पकड़ो, ठीक है? चलो ठीक है बच्चों, बाय बाय, अब मैं जाती हूँ।
चलें जी अब चलते हैं घर, और अली जान का बुक का कोर्स और सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं, अभी बस मैंने घर जाना है और तरावियाँ पढ़नी है, टाइम बहुत हो गया। चलो बच्चों अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।